दोस्तों, जब भी हमारा स्मार्टफोन चोरी हो जाता है, हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं और उनको बोलते हैं, हमारा IMEI नंबर दे देते हैं, उनको पूछते हैं कि हमारा स्मार्टफोन ढूंढ लीजिए, और हमारा स्मार्टफोन ढूंढ के कुछ दिनों बाद हमको दे देते हैं। लेकिन हमारे दिमाग पर एक बात जरूर आता है कि वो स्मार्टफोन आखिर में पकड़ते कैसे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पुलिस हमारे स्मार्टफोन तक पहुँचता कैसा है। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे हर एक स्मार्टफोन में एक IMEI नंबर होता है। आप अपने स्मार्टफोन में *06 अगर दबाते हैं, डायल करते हैं, तो हमारे स्मार्टफोन में IMEI नंबर आ जाता है। हमारे स्मार्टफोन में जितने सिम स्लॉट होते हैं, मतलब दो सिम स्लॉट अगर हम हमारे स्मार्टफोन में हैं तो 2 IMEI नंबर हमारे स्मार्टफोन में होते हैं। दोस्तों, अगर हम स्मार्टफोन हमारा चोरी हो जाता है तो हम सिंपल से जाते हैं पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन वाले हमको IMEI नंबर मांगते हैं, जो हम IMEI नंबर हमारे बॉक्स में हम रिकॉर्ड करके जो रखे होते हैं, वो वाला IMEI नंबर को हम पुलिस स्टेशन को दे देते हैं। और पुलिस क्या करता है, उसके बाद वो टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ अपने IMEI नंबर को शेयर करता है। मतलब जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर है, आइडिया हो, एयरटेल हो, जियो हो, वोडाफोन हो, सारे टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ हमारे IMEI नंबर को शेयर किया जाता है। और उनको बोला जाता है कि ये IMEI नंबर जिस भी लोकेशन में ऑन हुआ हो, हमको तुरंत यहाँ पर नोटिफिकेशन दे। तो जब भी वही टेलीकॉम ऑपरेटर, मतलब जियो का कोई सिम स्मार्टफोन में अगर डलता है, तो डायरेक्टली उनको नोटिफिकेशन चला जाता है कि इस लोकेशन में ये IMEI नंबर एक्टिव हुआ है। और जो पाखे के जो नज़दीकी जो नेटवर्क है, उसको कितना डिस्टेंस में आते हैं, और पुलिस मैनुअली जाते हैं उस जगहों पर, और उसके बाद वो स्मार्टफोन को ढूंढा जाता है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि हमारा स्मार्टफोन नहीं मिलता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर स्मार्टफोन किसी इमरजेंसी केस में किसी चोर ने स्मार्टफोन ले लिया है और स्मार्टफोन को इमरजेंसी केस में उस स्मार्टफोन को ऑन किया है और उसके बाद उस स्मार्टफोन को ऑफ करके रख दिया है, तो वो स्मार्टफोन कभी भी पकड़ा नहीं जा सकता। क्योंकि अगर ऑफ कर दिया गया होगा तो टेलीकॉम ऑपरेटर उसके सही जानकारी नहीं दे पाएंगे और वह स्मार्टफोन भी कभी पकड़ा नहीं जाएगा। उसके बाद अगर टेलीकॉम ऑपरेटर अपना जो हमारे डिटेल्स है, तभी जाकर हमारे टेलीकॉम ऑपरेटर जान सकते हैं, जब हमारे स्मार्टफोन में सिम स्लॉट डला हुआ, तभी जाकर टेलीकॉम ऑपरेटर हमारे लोकेशन जान सकते हैं और पुलिस को सही इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और हमारा स्मार्टफोन पुलिस जाता है मैनुअली और जगह पर ढूंढता है, और हमारा जो चोर है उसको भी पकड़ लेता है और हमारा स्मार्टफोन सही सलामत लाकर हमको दे देता है। ये होता है सिंपल सा मेथड, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। सीधे IMEI नंबर लेकर सीधा लोकेशन के जरिए हमारा स्मार्टफोन को ढूंढा जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।